मिर्जापुर के जिगना थाना अंतर्गत जंगल के किनारे बसे बघेड़ा खुर्द गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब जंगल से भटक कर आए तेंदुए ने लोगों पर हमला कर दो लोगों को घायल कर दिया। सूचना मिलते ही वन विभाग और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। दरअसल बघेड़ा खुर्द गांव में सोमवार सुबह जब गांव के लोग अपनी गाय चराने और शौच के लिए निकले थे, उसी दौरान शौच के लिए गए एक व्यक्ति पर तेंदुए ने हमला कर दिया। हमले में घायल व्यक्ति का इलाज स्थानीय स्तर पर कराया गया। तेंदुआ आने की जानकारी लगते ही लोगों की भीड़ उसे देखने के लिए लग गई और इसी दौरान झाड़ी से निकलकर तेंदुए ने दूसरे व्यक्ति पर भी हमला कर दिया। दिक्कत है, यहाँ सुबह 5 बजे से आया था टाइगर, इधर खेत में था वो। सुबह सुबह हम लोग गाय हाँकने आए थे तो दिखाई दिया, वहाँ से फिर आया एक आदमी का, गांव का ही आदमी हो, फ्रेश होने के लिए आया लोटा लेके, तो उसके ऊपर आक्रमण किया। वो उसके पीछे 2 पंजे का निशान हो गया है। फिर यहाँ पे 100 नंबर आई। अच्छा, 100 नंबर के बाद यहाँ पे सारी पब्लिक इकट्ठा हुई है। उसके बाद उसको और लोगों को लगा कि नहीं है, मतलब कि कुछ ऐसा हुआ है कि यहाँ पे है ही नहीं है, झूठ ये लोग बोल रहा है। उसके बाद 2-4 लोग यहाँ पे पत्थर किए, पत्थर के बाद वो निकला बाहर। अच्छा। आक्रमण किया तो बाकी सब पब्लिक भाग के इधर आया और 2 लोगों के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो आप लोग उसी को देख रहे हैं? उसी को देख रहे हैं सर कि वहाँ से निकले, क्योंकि ये बगल में गाँव है अभी इधर, और उसके बाद घर भी है, यहाँ पे लोग बसे हुए हैं, और उसके बाद ये दिक्कत है। इधर लोग भगाने की कोशिश करेंगे, इधर भी लोग बसे हुए हैं, दिक्कत है, गाय है, आते हैं आने के लिए तो ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सर। क्या लग रहा है कि अगर वो नहीं भागेगा तो गाँव घुस सकता है? गाँव में घुसेगा सर, यहाँ पे एक एक आदमी आएगा, आक्रमण करेगा, कोई गाय हाँकने आता है, इधर लोग बसे हैं, परिवार लेके आए, किसी का खेत है वो है सर, अकेला इधर कोई आ भी नहीं पाएगा। पहाड़ी से सटा हुआ गांव है, यहां पर सुबह एक जानवर देखा गया है जो तेंदुआ, मतलब ये अपेक्षा है या ये जानकारी हो रही है कि तेंदुआ है। 2 लोग घायल हुए हैं हल्के से, 1 लोगों को हल्की सी चोट आई थी, वो एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं। दूसरे लोगों को थोड़ा सा चोट लगी है, वो इलाज करा रहे हैं। यहाँ पास में ही, चूँकि ये जंगल का एरिया है तो पास में ही जहाँ घने पेड़ हैं वहाँ पे कहीं जा कर के छुप गया है। आसपास के लोग कुतूहल बस यहाँ पर आकर के इकट्ठे हुए हैं, और हमारी वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम, हम लोग सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और देख रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई जो है किसी को कोई नुकसान ना हो। चूँकि ये जंगल का क्षेत्र है इसलिए वो अपने हैबिटेट में, नेचुरल हैबिटेट में है, और हम लोग इस बात पर नज़र रखे हुए हैं कि अपने यहाँ वो सुरक्षित रहे, गांव के लोगों को किसी प्रकार का नुकसान। वो पहली बात तो ये कि अपने नेचुरल हैबिटेट में है, जंगल का ही ये क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र में ही है, तो उसको पकड़ने की कोई ऐसी बात नहीं है। चूँकि ये दिखाई दिया आसपास गाँव का एरिया है तो ग्रामीण के सभी ग्रामीणों को हम लोगों ने एहतियातन बता दिया है कि आसपास यहाँ पर ना वो रहें, लेकिन फिर भी अभी लोग हैं, चूँकि कुतूहल है, जानवर दिखाई दिया है, शाम जब हो जाएगी तो अपने आप और अपने क्षेत्र में है चला जाएगा। बाकी टीम हम है, चूँकि वन विभाग की हम लोग हैं यहाँ पे, तो कोई इस तरीके की आशंका या कोई इस तरीके की घबराने वाली बात नहीं है। फिलहाल अधिकारियों का कहना है कि बगल के ही जंगल से निकल कर तेंदुआ आ गया है और वो खुद अपने स्थान पर चला जाएगा, उसे पकड़ने की जरूरत नहीं। लेकिन गाँव के 2 लोगों पर किए इस तेंदुए के हमले से ग्रामीण डरे हुए हैं। मिर्जापुर से न्यूज के लिए नितिन अवस्थी की रिपोर्ट।